नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का एपिसोड जिस तीर्थ स्थल पर होने वाला है, कुरुक्षेत्र से उसकी दूरी 25 किलोमीटर है और सदियों से इस तीर्थ पर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं। हम आज आ पहुंचे हैं विद्यादानी माँ सरस्वती के धाम पिहोवा में। सन्निध सरोवर में पितृदान का महत्व अमावस्या और सूर्य ग्रहण को ज़्यादा माना जाता है, लेकिन जिस पुण्य स्थली पर आज हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ पूरा वर्ष ही पितृदान और श्राद्ध का कार्यक्रम संपन्न होते रहते हैं। इस पुण्य स्थली पर देवकी नंदन श्री कृष्ण जी ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर को पितृदान के लिए लेकर आए थे। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय अपने असंख्य भक्तों के साथ विराजमान करते हैं। हम बात कर रहे हैं माँ सरस्वती के धाम पिहोवा की। पिहोवा एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उत्तर भारत का एक तीर्थ है और पिहोवा का जो पौराणिक नाम है वो पृथुदक है। पृथुदक दो संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, एक तो ये कि पृथुल है उदक, जहाँ बहुत भारी मात्रा में जल रश्मि पानी मौजूद है, और दूसरा महाराज पृथु जो जिन्होंने अपने पितरों के लिए यहाँ तर्पण किया, उनको जल प्रदान किया, उदक प्रदान किया, तो इसका पौराणिक नाम पृथुदक हुआ। पृथुदक से अपभ्रंश होकर बिगड़कर इस स्थान का नाम पिहोवा हुआ है। पिहोवा एक बहुत ही हिंदू सनातन संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर लोग अपने पितरों का तर्पण करने, उनका श्राद्ध करने और उनको गति मुक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपने पितरों के लिए वो श्रद्धा भाव से, अनुराग भाव से वो कर्मकांड कराते हैं। हजारों सालों से लोग इस तीर्थ स्थान की यात्रा करने और उनके अपनों के चले जाने के बाद उनकी अस्थियां विसर्जन करने पिहोवा आते हैं, और जिस जलधारा में वे अपने पितरों को अंतिम विदाई देते हैं वो है यहाँ की आदि वैदिक नदी माँ सरस्वती। लक्ष वृक्षात समुद्रता सरित श्रेष्ठा सनातनी सर्व पाप शेकारी मरना देव नित्य शे। वामन पुराण के 33वें अध्याय के इस श्लोक का अर्थ यह है कि स्मरण मात्र करने से ही सभी पापों को नष्ट करने वाली माँ सरस्वती पलाश वृक्ष से यहीं पर उत्पन्न हुई। माँ सरस्वती को सनातनी श्रेष्ठ कहा जाता है। गंगा जल में अस्थि प्रवाह से मुक्ति मिलती है, काशी में देह प्रवाह से मुक्ति मिलती है, परंतु पिहोवा में जल थल और अंतरिक्ष में मृत्यु होने पर भी मुक्ति मिलती है, ऐसा यहाँ की दृढ़ मान्यता है। पिहोवा वो भूमि है जहाँ माँ सरस्वती प्रभामान है। माँ सरस्वती के तट पर ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर माँ सरस्वती के तट पर यहाँ प्रतिवर्ष दो बहुत बड़े बड़े मेले भी लगते हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और हिंदू सिख एकता का बहुत बड़ा प्रतीक ये मेले हैं। इसमें अश्विन मास में, अश्वज मास जिसे कहते हैं, पितृपक्ष हैं 15 के 15 दिन यहाँ लोग जो हैं वो आते हैं, और चतुर्दशी अमावस को बहुत भारी मेला होता है, और इसके अतिरिक्त चैत्र मास में त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या, इस पर भी जो है वो लाखों की संख्या में लोग आकर यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। म
महाभारत काल से भी प्राचीन इस पिहोवा तीर्थ पर आज भी ऐतिहासिक भवन और मंदिरों के विशेष इस तीर्थ स्थल की पुरातनता के साक्षी हैं। भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों से मिले विशेष आज भी संरक्षित रखे गए हैं। इस पुण्य स्थली का सबसे आकर्षित और रोमांचित तथ्य कि यहाँ पर परिवार की वंशावली अर्थात परिवारजनों और पितरों की विस्तृत जानकारी लिखी जाती है। और जिन पन्नों पर पूर्वजों का इतिहास लिखा जाता है उसे बहियां कहा जाता है। और उन बहियों में संभाल कर रखे गए पूर्वजों के इतिहास को बही खाते कहा जाता है। जिन पन्नों और कागज पर 300-400 वर्ष पुराना वंश का इतिहास है उनका रख रखाव करना यहाँ के पांडवों की उत्कृष्टता और गुणवत्ता का साक्षात प्रमाण है। यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के पास सैकड़ों वर्षों का इतिहास उनकी बहियों में संकलित है और लगभग 400 वर्षों का इतिहास तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल अच्छे हालात में मौजूद है। जो हमें हमारे पास बहियों उससे भी पुराना इतिहास हमारे पास है जो कि हमने संकलित किया हुआ है। और जो भी लोग यहाँ आते हैं वो अपनी वंशावली हमारे पुरोहितों के पास देखते हैं और नए जो लोग भी उनके परिवार में हैं उन सभी का इतिहास जो है उसमें वर्णित कराते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो है हमारा कार्य जो है वो चल रहा है और ये एक इतिहास की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ इस तीर्थ पर किया जा रहा है। यहाँ पे जो इतिहास है हमारा, इस इतिहास के अंदर हमने डिजिटल भी करवाया था, परंतु हमारा जो है ये यहाँ पे जो लोग देखते हैं यहाँ पे आके तो इसी को ही कहते हैं अभी ये अच्छा रिकॉर्ड है, मेंशन किया और हमने रिकॉर्ड है। और लगभग 182 साल पुराना हमारे पास कागज है। जो लोग बाहर से विदेशों से आते हैं वो उसको देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसे इसको हम अल्फाबेटिक करते हैं, जैसे ओम प्रकाश जी है, उनके पिताजी का नाम आगे पन्ना लाल है, तो हम ए की तख्ती निकालते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम ए पे डालते हैं उसी तरह यहाँ पे ए आ के हिसाब से हमने हिंदी में ये बनाया हुआ है। ये लगभग जो रिकॉर्ड तो चल रहा है काफ़ी समय पहले से, उस टाइम हमारे पास कागज़ नहीं होता था। अब 182 साल लगभग हमारे पास 182 साल पुराना कागज है। हम उस कागज़ को बल्कि ये बोलते हैं भी ये शालकोट से बना था कागज़ पहली बार, तो हमारे बुजुर्गों वहाँ से इसको लेके आए थे। ये जो हमारा कागज जो शालकोट से आता था ये पराली गोबर गऊ का गोबर जैसे बोलते हैं ऐसी ऐसी कई वस्तुओं का बनके मतलब ये कागज बना हुआ था। वामन पुराण के अनुसार सरस्वती नदी प्राचीन समय में दूध दही तथा शहद से ओतप्रोत होकर बही है। बृहस्पति जी को भी सरस्वती जल पीने से ही कवित्व प्राप्त हुआ था और कई ऋषि मुनियों ने सरस्वती तट पर हजारों वर्षों तक तप भी किया। यहाँ पर ही क्षत्रिय राजा कौशिका ने कठोर तप से ब्राह्मण की उपाधि हासिल की और उनका नाम पड़ा विश्वामित्र।
जिनके श्रीमुख से आगे जाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ। सरस्वती तट पर ही भारत का एकमात्र कृष्ण युधिष्ठिर मंदिर भी है। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर जी भी थोड़ा व्याकुल रहने लगे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से, ये उदाहरण आता है एक, तो भगवान कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया कि व्याकुलता के सभी कारण समाप्त हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी मैं व्याकुल हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये पितृदोष का लक्षण है, तो वहां पर जाओ हे कौन्ते, जहां पर पूर्व दिशा में प्राची सरस्वती बहती है, तो वो स्थान पृथुदक पेहवा था। तो भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर इस स्थान पर आए और युधिष्ठिर ने यहाँ अपने पितरों के लिए और महाभारत के युद्ध में जो भी लोग मारे गए थे उन सभी का सामूहिक पिंडदान श्राद्ध यहाँ किया। सरस्वती तट पर स्थित प्रेत पीपल पर लोग अपने पितरों की शांति के लिए जल अर्पण करते हैं और प्रेत पीपल के चारों तरफ सफेद धागा बांधकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कुक्षेत्र भूमि एकमात्र दुनिया में भूमि है जहां दसों के दस सिख गुरु आए हैं और पृथुदक पेहवा में भी सिख गुरु जो है, यहाँ गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी, सभी गुरु जो है यहाँ स्थान पर आए। हाथ में वीणा और ग्रंथ धारण करने वाली, कमल पर असीम माँ सरस्वती जिनका वाहन श्वेत अंश है जो दूध को पानी से अलग करने की क्षमता रखता है, ऐसी विद्यादायिनी सनातनी सरस्वती माँ को हमारा कोटि कोटि नमन।